So guys, this is tutorial for my recent choreography Despacito. जिन्होंने मेरी कोरियोग्राफी नहीं देखी है Despacito की, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं या ऊपर भी लिंक गिवन है वहाँ जाएं और देखें मेरी कोरियोग्राफी और उसके बाद यहाँ आके सीखें. थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले, इट्स वेरी इजी कोरियोग्राफी, इट्स नॉट हार्ड. हार्ड है इसका एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन से मतलब है मेरा कि जिस तरीके से कोरियोग्राफी करनी है वो हार्ड है. आपको स्टाइल डालना है, आपको एनर्जी भी डालनी है और आपको ऑब्वियसली यू डोंट अंडरस्टैंड द सॉन्ग बिकॉज सॉन्ग स्पेनिश है, तो दूसरी लैंग्वेज का सॉन्ग है तो हमें समझ नहीं आता. बट हम लोगों को उसकी फील समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसा वो लग रहा है, मतलब उसका ग्रूव क्या है, उसका फील क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से सबसे पहले आपको लेफ्ट लेग आगे करना है और राइट हैंड से पॉइंट करना है. सो वन, अगेन 5, 6, 7 को पॉइंट किया, देन आपको राइट हैंड ऐसे ड्रॉप करना है और राइट लेग ऐसे करके स्लाइड करना है इन. सो लेफ्ट लेग आगे किया, राइट हैंड से पॉइंट किया, अब राइट हैंड ड्रॉप करेगा, साथ में राइट लेग भी ड्रॉप करके इन आएगा. सो इट्स लाइक वन. ओके, अगेन 5, 6, 7 को पॉइंट, ड्रॉप एंड वेव. अगेन 5, 6, 7 को पॉइंट, ड्रॉप, और यहाँ से आपको एक वेव लेनी है. जैसे ही वेव खत्म होगी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना राइट लेग पीछे पंप करना है. वन, सो इट्स लाइक वन. अगेन मैं स्लोली करता हूँ. वन, जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी मूव्स की उतनी अच्छी लगेगी. सो यहाँ से हमने पॉइंट किया, ड्रॉप किया, वेव की एंड पंप किया. यहाँ से आपको दो छोटी सी हॉप्स लेनी है, लाइक वन टू. सो दोनों पैर पास में चिपके हुए रहेंगे, घुटने भी पास रहेंगे और हाथ ऐसे रहेंगे बिल्कुल कान के पैरल. सो वन टू. ओके, यहाँ से आपका राइट लेग पीछे जाएगा और दोनों हाथ ऐसे खुल के क्रॉस करेंगे. सो वन टू क्रॉस. यहाँ से आपको एल्बोस से हिट करना है फॉरवर्ड और नी भी आपका हिट करेगा. वन, सो वन एंड टू. समझ में आया? देखिए, जैसे ये हमने किया इसी के साथ आपका नी हिट भी हिट करके वापस बैक जाएगा. सो फ्रॉम द टॉप पॉइंट, ड्रॉप, वेव, पंप, हॉप हॉप, क्रॉस एंड हिट. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं. यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अपना राइट लेग ऐसे निकालना है. ठीक है, अब कोशिश कीजिए कि जो नी है ये इन करके आउट करें. ध्यान रखिए इन आउट ही रखना, क्योंकि इसके बाद हमारे को अपने लेग से एक रौंदे जाम सर्कल बना के घूमना है. सो वन एंड. ठीक है, सो हमने जैसे ये करा, हिट किया एंड वन एंड. ओके, सो वन एंड, लेफ्ट लेग से रौंदे जाम किया, सीधे हुए और हम वापस ड्रॉप करेंगे और दोनों पैर खुलेंगे. वन एंड. हाथों को ऐसे लेके जाना ज़रूरी है, वो एक फील देगा मूव को. अगेन 5, 6, 7 को पॉइंट, ड्रॉप, वेव, पंप, हॉप हॉप, क्रॉस, हिट, वन एंड, सर्कल, ड्रॉप. समझ में आया? मैं लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से क्लियर करता हूँ. ये हमने इन आउट किया, यहाँ से सर्कल किया एंड ड्रॉप किया. फ्रॉम हियर आपको अपना राइट हैंड राइट साइड ले जाना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड ले जाना है. इट्स वेरी सिंपल. सो राइट लेफ्ट, अगेन 5, 6, 7 गो. राइट लेफ्ट बेल्ट, 5, 6, 7 गो. राइट लेफ्ट बेल्ट पे हाथ, देन वन एंड. सो बेसिकली राइट साइड गया, लेफ्ट साइड गया, बेल्ट पे हाथ रखा और पूरा बॉडी आपका एक बार साइड लेफ्ट साइड जॉब करेगा. सो राइट लेफ्ट बेल्ट, वन एंड. सो फ्रॉम द टॉप 5, 6, 7 गो. पॉइंट, ड्रॉप, वेव, पंप, हॉप हॉप, जुप, ठाक, ठा, ठहरा, जुप, ठाक, टा, 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 टारा. यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ से हमारे को क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे आए, लेफ्ट लेग क्रॉस करेगा और दोनों हाथ क्रॉस करेंगे. अगेन लेफ्ट लेग क्रॉस किया और दोनों हाथ क्रॉस किए, देन राइट लेग पीछे आएगा और हाथ ऐसे हो जाएंगे. सो अगेन 5, 6, 7 गो लेफ्ट एंड राइट. ओके, 5, 6, 7 गो लेफ्ट एंड राइट. अब वापस लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, तो हाथ ऊपर हो जाएंगे. अगेन 5, 6, 7 गो लेफ्ट, देन राइट लेग,
देन लेफ्ट लेग हाथ ऊपर हो गए, अब राइट लेग क्रॉस करेगा और हाथ वापस क्रॉस करेंगे. ओके, सो अगेन स्लोली बता रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो करके प्रैक्टिस करें, स्लोली करें और बहुत बार करें तो ईजी हो जाएगा. 5 6 7 गो, क्रॉस ओपन बैक क्रॉस, देन लेफ्ट लेग इधर आएगा और दोनों हाथ सीधे हो जाएंगे. 1 यहाँ से, जैसे लेफ्ट लेग इधर आया, लेफ्ट लेग वापस साइड में आया, क्रॉस पोजिशन से साइड में आया, तो दोनों हाथ सीधे हुए. एंड लेफ्ट लेग बैक राइट लेग के साथ और दोनों हाथ कान पे. दैट्स इट. 5 6 7 गो. 1 and 2 and 3 and. ओके, स्लोली अगेन. 5 6 7 गो. 1 and 2 and 3 and. फ्रॉम हियर आपको राइट लेग के ऊपर हॉप करना है ऐसे, और दोनों हाथों को ओपन करके क्लोज करना है. सो 1 2 यहाँ से 5 6 7 गो. 1 2 अगेन. 5 6 7 गो. 1 2 यहाँ तक क्लियर है? ये हमने किया 1 2. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है. राइट लेग आउट जाएगा और 1 and 2 हाथों को ऐसे रोल करना है जैसे हम बचपन में करते थे, 1 and 2 वैसे ही रोल करना और लेग ऐसे घूमता रहेगा. देखिए ये बेसिक कोरियोग्राफी है, बेसिक ग्रूव्स को लेके बनाई गई है. सो ये आपके लिए इजी रहेगा फॉलो करना. आगे जाके मैं थोड़ी हार्ड कोरियोग्राफीज बनाऊंगा तो वो उनके लिए ये कोरियोग्राफी सीखना बहुत ज़रूरी है. सो 1 and 2 देन राइट लेग क्लोज हुआ. अगेन 1 and 2 राइट लेग लेफ्ट लेग के साथ आया, देन लेफ्ट लेग आउट और लेफ्ट हैंड आउट. सो यहाँ से 1 2 इन. हाथ देखिए पहले 1 and. सो 1 and जैसे अपन तीर कमांड कोई ले रहे, जैसे हम तीर लेते, सपोज करो कोई देर इज अ बो एंड एरो, तो आपने बो पकड़ा और एरो को स्ट्रेच किया वैसे. सो ये ठीक है 1 and 2. सो हम लोगों ने ये किया 1 2 एंड यहाँ से लेफ्ट लेग आउट जाएगा. ओके अगेन 1 2 इन. राइट हैंड आगे से गया और लेफ्ट हैंड स्ट्रेच हो गया, राइट हैंड बेंट है. ठीक है, फ्रॉम हियर यहाँ से आपको दोनों लेग ऐसे पैरेलल रखने और बीच में आ जाना. सो 1 and यहाँ से दो बार करना है. बॉम बॉम है लिरिक्स में, ऐसे बॉम बॉम, सो इट्स लाइक दैट. सो आपको दो बार करना है 1 2. कोशिश कीजिए वेस्ट को आगे की तरफ पुश करने का. सो 1 2 ओके. फ्रॉम द टॉप पॉइंट ड्रॉप वेव पंप था जुप हिट एंड इन सर्कल आउट 1 and 2 एंड देन 1 2 3 4 आउट कान पे आ बॉम बॉम 1 2 3 4 बॉम बॉम. ओके, सो दिस इज द पार्ट 1. पार्ट 2 के लिए थोड़ा वेट कीजिए, थोड़े दिनों में आ जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच.